एन एंग्री विंड गोसली ड्री विंड गुस्सेदार हवा स्टर्डअप गोसली डस्ट डेवल्स गोसली मतलब भूत जैसा भूतीय भूत जैसा डस्ट भूत धूल डेविल मने शैतान एज किंग टूथ वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियंट इजिप्ट सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स वो जो एरिया है जहां पे किंग टूथ की बॉडी दफनाई गई थी सीमेट्री सीमेट्री मतलब क्या होता है कब्रिस्तान कब्रिस्तान सीमेट्री तो वो कब्रिस्तान जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स राजाओं की घाटी रेस्टिंग प्लेस यानी आराम की जगह लेटे हुए आराम की जगह नहीं फाइनल रेस्टिंग मृत्यु के बाद जहां दफनाया जाता उसे है उसे रेस्टिंग प्लेस कहते हैं एंशियन इजिप्ट सिमेट्री एंशियन यानी प्राचीन काल की जो कब्रदा है जिसका अब नाम है वैली ऑफ द किंग्स वहां पे जैसे ही किंग तुत की मृत शरीर को उसके रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया ये बात है 1922 की पहली बार देखा गया जैसे उसके शरीर को निकालने का प्रयास किया गया तो एंग्री विंड स्टर्ड अप जो हवा थी वहाँ की आसपास की वो बहुत तेज़ चलने लगी हवा में झचकोर हुआ बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी शैतानी शैतान की तरह भूति तरफ मतलब ये कोइंसिडेंस था कि क्या था कि हमने 3000 साल पुरानी दफनाई गई लाश को जब निकालने की कोशिश की तो चारों तरफ एक बड़ा अजीब माहौल हो गया धूल और वो रेगिस्तानी जगह है डस्टी जगह है सैंड है पूरा धूल है इजिप्ट इज द लैंड ऑफ डेजर्ट बिगेस्ट डेजर्ट इज देर इन इजिप्त वहां पर बड़ी तेजी से हवा चलने लगी उस क्षेत्र के आसपास और बिल्कुल ऐसा लगने लगा मानो शैतान भूत भूत प्रेत आ गए हूं और ये कब हुआ जब किंग तुत की बॉडी को निकाला जा रहा था और तो और डार्क बिल्ड क्लाउड्स हैट्स डेजर्ट स्का घने बेलीड बॉट क्लाउड घने घने उड़ाते हुए बादल आकाश में स्कटेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई उस मरुभूमि के ऊपर डेजर्ट के स्काई में आकाश में पूरे तेजी से चलने लगे उड़ने लगे जब ये निकालने की प्रक्रिया चल रही थी खुदाई और निकालना तो वातावरण कुछ अजीब सा हो चला था थोड़ा भयावह हो चला था एक और तूफानी हवा उसके साथ रेतीली धूल अंधकार में माहौल और ऊपर आकाश में काले बादल डार्क बेलीड क्लाउड बेली, बेली माने पेट और यहाँ पर पेट का अर्थ है बादलों का जो बीच का हिस्सा था पेट बड़े घना था हैड स्कटेड अक्रॉस डेजर्ट स्काई स्कट होना स्का फैल जाना ऑल डे नाउ नाउर व्हीलिंग द स्टार इन कास्केट ग्रे और ये बादल इतने घने थे इतने डार्क थे कि दे वेर व्हीलिंग द स्टार टू व्हील मतलब कवर करना व्ही आई एल व्हील मैंने होता है पर्दा उसी से बना है टू व्हील मतलब ढक देना यहां पर इन बादलों ने मानो वो तारों को ढक दिया था देर व्हीलिंग द स्टार इन कास्केट ग्रे पूरा आकाश ग्रे हो गया था और उसको छुपा दिया था उन्होंने तारों को छुपा दिया था इतने घने थे और यहाँ पे उसके बॉडी को निकालने का काम हो रहा था अब ये क्यों ऐसा मौसम हुआ इस पर आगे वी विल डिस्कस बट इट हैपन् इट वाज़ 6 पीएम ऑन 5th जनवरी 2005 ये घटना कब की है 2005 की जब पहली बार बॉडी को निकाला जाता है बाहर 1922 में 1922 द द ग्रेव वाज डग बट द बॉडी कुड नॉट कम आउट वी विल स्टडी दैट खुदाई तो हुई लेकिन शरीर बाहर नहीं निकल पाया It was in 2005, that means after about 85 years, that for the first time the body was brought out. The world's most famous mummy glided heat first into a CT scan. The world's most famous mummy glided head. फर्स्ट इंटू ए सी टी स्कैनर पहली बार दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ममी अब ममी क्या है ममी इज समथिंग रिलेटेड टू इजिप्स बेसिकली और ममी का अर्थ होता है किसी भी डेड बॉडी को केमिकल से ढक देना रैप कर देना और ऐसे केमिकल से कि वह बॉडी बॉडी हजारों वर्ष तक वैसे ही बनी रहे सो मम्मी इज ए डेड बॉडी कवर्ड एंड रैप्ड विथ केमिकल्स इन सच ए वे दैट द बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ इयर्स यू ओपन डोज रैप्स यू विल फाइंड द होल बॉडी इंक्लूडिंग स्किन एंड एवरीथिंग इंटैक्ट द कलर मे हैव चेंज द लिक्विड मे नॉट बी देयर इन द बॉडी In the form of blood or water, but you will find the skin, the bones, and everything intact. That is called mummy. You can see this picture of mummies. So it was at 6 pm in 2005, 5th, 6th January, that the most famous mummy, why was it most famous? Because it was the first mummy to have been discovered, and it was the first mummy to have been brought out of the grave. तो द मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड मैंने बताया आपको कि सी स्कैन में क्या होता है आप सिर को स्लाइड करते हैं ग्लाइड करते हैं मोस्ट फेमस मदी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इन ए सी टी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ब्रॉट हीट खोजबीन करना टू प्रोब मतलब खोजबीन करना द लिंगरिंग मतलब जो बहुत समय से लटका हुआ जो मामला था टू लिंगर ऑन मतलब टालना डोंट लिंगर ऑन द प्रॉब्लम इट विल मल्टीप्लाई अदरवाइज डोंट लिंगर ऑन द मैटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम डोंट लिंगर ऑन टेक ए डिसीशन डोंट लिंगर तो लिंगर मतलब लटकाना किसी टालना तो so, ऐसी जो समस्या थी लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री मैंने अजूबा ऐसा मेडिकल अजूबा जो बहुत वर्षों से लटका हुआ था जिसका कोई उत्तर नहीं था उसके सिर को पहली बार सीटी स्कैन में ग्लाइड किया गया सीटी स्कैन में उसे डाला गया द दर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इन टू ए सी टी स्कैनर ब्रॉड हियर टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री सी टी स्कैनर वॉज ब्रॉड आई टोल्ड यू That the body was not taken far away. Why? They could have taken it by plane. No, they never wanted to do any damage to the body. It was a 3000 year old body, had historical and archaeological importance of that body. They really wanted to make sure that absolutely no damage is done. And so, instead of taking the body to some far off place, they brought the machines here. इंक्लूडिंग सीटी स्कैनर इन ऑर्डर टू सॉल्व द मिस्ट्री लिंगरिंग मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडर स्टूड यंग रूलर ये जो यंग रूलर था जिसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जाना गया उसको समझने के लिए जब बॉडी को निकाला गया तो आसमान का दृश्य ही बदल गया मानो चारों तरफ नेचर का प्रतिरोध हो रहा था चारों तरफ नेचर प्रकृति नाराजगी दिखा रही थी ऐसा लग रहा था आंधी तूफान और बादल छा गए और तारे छिप गए तो ऐसा लगा किसी तरह का कुछ प्राकृतिक विरोध हो रहा है और ऐसी स्थिति में बॉडी को डाला गया जो बहुत समय से लंबित लिंगरिंग मतलब लंबित जो मेडिकल मिस्ट्री थी मेडिकल अजूबा था क्यों मेडिकल अजूबा कि ये लाश कैसे रखी गई है क्या क्यों इतने साल रखी गई है क्यों लपेटा गया है किस चीज से लपेटा गया है जिससे कि लाश इतने साल तक वैसे ही है इसके अंदर बॉडी के अंदर है क्या क्या मारा गया है ये यंग लड़का या मर गया क्या हुआ ये जो अजूबे थे इसको जानने के लिए सी स्कैन किया गया डाइड मोर देन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स एगो 2005 या सन 2000 में आप 3,300 ईयर्स करें तो आप क्या पाएंगे सेम 1320 1321 जब वो राजा बना था जब उसकी डेथ हुई थी 1321 ही डाइड सो 3,300 वर्ष पहले ये कौन राजा था कैसे मरा क्या इसके बारे में इसकी बॉडी कैसे रखी हुई है इतने साल इस मेडिकल अजूबा तो लेटस फाइंड आउट द डिटेल थ्रू सीटी स्कैन ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक का टूम पूरी दोपहर भर यूजल जो एक सामान्य प्रक्रिया थी कि वहाँ टूरिस्ट आते रहते थे क्योंकि ये खुदाई का काम कई वर्षों से चल रहा था और एक बिकम ए टूरिस्ट स्पॉट 2022 में बॉडी खोजी गई और उसके साथ जो सामान मिला उसने दुनिया को चौंकन चौंका दिया 2005 में तो बॉडी निकली पर दुनिया को जब चौंकाया तो 2022 के बाद से ही टूरिस्ट वहाँ आना शुरू हो गए थे एंड टूरिस्ट के कमिंग अराउंड द वर्ल्ड मतलब चढ़ना टू डिसेंड मतलब उतरना दुनिया भर के जो टूरिस्ट वहाँ उतरे कहाँ वो क्रैम्ड क्रैम्ड मतलब छोटा बहुत बहुत क्राउडेड बहुत छोटी जगह इंडियन टेम्पल्स पर्टिकुलरली गर्भगृह आर वेरी क्रैम्ड जो भारत के मंदिर होते हैं उसमें जो खासकर गर्भगृह होता है बड़ा क्रैम्प रहता है छोटा रहता है चलने के लिए रास्ता नहीं बन पाता सो डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टूम रॉक कट टूम था ये चट्टानों से काटा हुआ कबगा थी चट्टानों को काट कर और कितने गहराई 26 फीट सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट पूरी दोपहर दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर उतरते थे जो उतरे थे वे लोग उस क्रैम्ड उस छोटी सी जगह में जो जगह थी गहरी 26 फीट गहरी में जहाँ पर दफन किया गया था उसको रॉक कट उसको देखने के लिए वहाँ पर उतरते थे और अपनी अपनी रिस्पेक्ट देते थे किसको वो राजा को पता नहीं कौन राजा था कितना बड़ा राजा था कहाँ का था तो उसको दे, दे वुड पे देयर रिस्पेक्ट प्रणाम करते थे आप देखेंगे बरियल चैम्बर बरियल माने टू बी माने दफनाना बरियल चैम्बर मतलब वो जहां पर दफनाया गया एक कमरा उसके बाद दफन के लिए एक गहरा कब्र पहले एक कमरा होता था जमीन के अंदर कई फीट नीचे कमरा फिर कमरे के अंदर कब्र तो जो कमरा था चैम्बर बैरियल चैम्बर तो मैंने कहा टू तो बैरी मीन्स दफनाना उससे बना बैरियल ग्राउंड जहां दफनाया जाता है और टू तो क्रीमेट मतलब जलाना उससे बना क्रीमेटोरियम जहां जलाई जाती है लाश अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया है दफनाई जाते हैं कई जगह कई जगह जलाई जाती हैं सो इट वॉज नॉट ए क्रेमेटोरियम इ बैरियल ग्राउंड जहां बॉडी बरी की गई थी to gaze, मतलब गौर से देखना भौचक्का होकर देखना गेजिंग एट मी बिल्कुल आंखें फाड़ कर देखना चाहे चक्का चौन से चाहे चमक से चाहे जिस भी कारण से वॉल्स so मुराल क्या होता है वॉल प्राचीन काल में जो पेंटिंग दीवार में डायरेक्ट की जाती थी वो मुराल कहलाती तो उन दीवालों में पेंटिंग भी थी जमीन से जमीन की सतह से 26 फीट नीचे कमरा उस कमरे की दीवारों में पेंटिंग देखिए दृश्य कैसा और उसको वो बड़े गौर से देख रहे थे देखते थे एंड पियर्ड एट द टूथ गाइडेड गाइडेड फेस और फिर उसको पियर करना मतलब झांकना पी डबल पियर और झांक के देखते थे टूट के चेहरे को द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड पियर्ड अ टूथ गाइडेड फेस गाइडेड फेस जो था द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता थी उसके ममी की ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड क्या था मैंने आपको बताया कॉफिन के तीन लेयर थे जो बाहर का जो कॉफिन का हिस्सा था आउटर मोस्ट कॉफिन मैंने आपको बताया कॉफिन के तीन लेयर होते थे बल्कि तीन कॉफिन होते थे एक के अंदर एक के अंदर एक तो जो सबसे बाहर का जो कॉफिन था जो ममी शेप्ड होता था यानी शरीर के आकार का शेप उससे बड़ा थोड़ा उसका जो ढक्कन था उसको बड़े गौर से देखते थे स्ट्राइकिंग फीचर मतलब खास विशेषता ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड लिड माने ढक्कन उसको गौर से देखते थे दीवालों में जो मुराल बना था उसको गौर से देखते थे मुराल माने वॉल पेंटिंग दीवालों में जो डायरेक्ट बनाई जाती है सम विजिटर्थ रेड फ्रॉम गाइड बुक्स कई विजिस्टर जो थे वो वहां गाइड बुक रखी थी वो जो गाइड बुक्स थी जिसे निर्देश पुस्तिका भी कहते हैं उसको पढ़ते थे और कुछ फुसफुसाते थे टू विस्पर मीन्स फुसफुसाना। इन ए विस्पर दे वुड से समथिंग टू ईच अदर एक दूसरे से कुछ बात करके फुसफुसाते थे क्यों बिकॉज इन द गाइड बुक Many people might have written their own comments. Usme jalongo ke comments seos ko parke eguse, baat karte te, achha ye vi lo gayate kya, achha hai. Oh, this comment is this, and so this is in our language, this is in Chinese language, and so on. There can be many things that can be there in the guidebook. So Nirdesh pratika ko parker, bhoh chilok, puspasate te, kudbudbudate Others stood silently. बहुत से लोग चुपचाप खड़े रहते थे शायद पॉन्डरिंग टूट्स अन टीन्स, टू पॉन्डर करना मतलब विचार करना गहन विचार करना कुछ लोग ऐसे थे बहुत से लोग जो केवल विचार करते थे वहां पर कि कैसे ये असमय मारा गया अन टाइमली डेथ इन लेट टीन्स, बीस साल का भी नहीं हुआ और वो मारा गया कैसे मर गया मारा गया मर गया क्या घटना हुई इस पर वो गहराई से सोचते थे मन ही मन और कुछ लोग गाइड बुक को पढ़कर निर्देश बुक को पुस्तक को पढ़ के एक दूसरे के साथ कुछ बताते थे कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे कि आश्चर्य करते थे उनको लगता था उस और ऐसा सोचते वो कांप जाते थे वंडरिंग विथ ए शिवर टू तो वंडर करना मतलब आश्चर्य करना जी लगना उनको लगता था विथ ए शिवर टू शिवर मतलब कांपना वाई आर यू शिवरिंग तुम कांप क्यों रहो इट इज शिवरिंग कोल्ड इन श्रीनगर राइट नाउ श्रीनगर में अभी भयंकर कड़कड़ाती ठंड है जिसमें पूरा शरीर कांप रहा है तो शिवर मैने कांपना आई शिवर डाउन माई स्पाइन वेन आई सॉ द टाइगर नियर बाय जब मैंने पास में टाइगर खड़े देखा तो रीढ़ की हड्डी तक मैं कांप गया रीढ़ की हड्डी कभी कांपती है क्या नहीं पर रीढ़ की हड्डी तक कांप गया मतलब बहुत ही ज्यादा घबरा गया शिवर डाउन माय स्पाइन स्पाइन मैंने रीढ़ की हड्डी स्पाइन मैंने पीछे की रीढ़ की हड्डी तो कुछ लोग जहां निर्देश पुस्तिका को देख कर बुद्ध बताते थे कुछ कुछ लोग वही सोच में पड़ जाते थे कि ये कैसे मरा होगा इस छोटी सी उम्र में क्या बात हुई होगी वहीं कुछ लोग आश्चर्य करते थे और घबराते थे कि कहीं ये फरोह का कर्ज तो नहीं कर्ज बने शाप अभिशाप का तो नहीं है डेथ तो और और फॉलिंग ऑन दोज डिस्टर्ब हिम किस चीज का डर था उनको उनको डर था कि फराव का जो कर्ज तो नहीं है कि मृत्यु या दुर्भाग्य फॉलिंग अपॉन दोज हु जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया उनके ऊपर कुछ आपत्ति तो आपदा तो नहीं आने वाली है ऐसा करके कुछ लोग घबराते थे और ऐसा क्यों सोचते थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब बॉडी को निकाला जा रहा था तो मौसम कैसे बदल गया एक भयावह दृश्य हो गया था आकाश में काले बादल इतने घने के तारे छिप गए धूलों की हवा उड़ रही थी और एक अजीब सा मौसम हो गया था तो ये कहीं फराव के साथ जो हमने जादती की है उसको बॉडी को निकाल कर तो कहीं फराव का शाप तो नहीं है इस रूप में तो उनको डर लगने लगता था कई लोगों को तो तीन तरह के लोग वहां थे तो कमिंग बैक तो टू जो, जो मुराल थे भित्ति चित्र जिसे बोलते हैं दीवाल में बने हुए चित्र तो मुराल उस चैम्बर में जो वो कमरे में जो जमीन से 26 फीट नीचे था उसको देखते थे उसके अलावा वो जो तंग गलियां थी तंग जो रास्ता था क्रैम्ड तंग रास्ता उस तंग रास्ते में वो चलते थे और राजा को देखते थे उसके चेहरे को देखते थे जो सोने की चादर से पटा हुआ था जो कास्केट था शवदाह जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में शव पेटिका जिसमें शरीर रखा था उसके चेहरे की ओर देखते थे पूरे सोने की चादर से मड़ी हुई थी तो वो शव पेटिका भित्ति चित्र तंग गली और ऐसा देखते हुए वो उसके चेहरे को देखते थे और श्रद्धांजलि देते थे दे वुड पे रिस्पेक्ट उसको श्रद्धांजलि देते थे अपनी और ऐसा करते हुए बढ़ते जा रहे थे और फिर शंकाएँ होती थी बहुत सी जिसमें एक शंका थी कहीं मौसम की नाराजगी इस तुत को जो हमने डिस्टर्ब कर दिया है वो यहाँ पे जो आराम से सो रहा था वो तुत को हमने निकाल दिया है तो कहीं उसका प्रतिरोध तो नहीं है ये ऐसा करके लोग घबराते थे

ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल के रखने के लिए एक डिपार्टमेंट था इजिप्ट में क्योंकि इजिप्ट में तो बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं अमूल्य बेहतरीन हजारों वर्ष पुरानी यूनिक ऐसी चीज़ें वहाँ हैं तो निश्चित रूप से वहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है ऐसी चीज़ों को संजो कर रखना संभाल कर रखना उस डिपार्टमेंट का हेड का नाम था जाही हवास ही वॉज एन इजिप्शियन उसने जब ये मम्मी को देखा तो उसने कहा कि मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन मम्मी की स्थिति ठीक नहीं है और कारण क्या कहा उसने कि शायद कार्टर ने जैसा इसके साथ हैंडल किया हवा हावर्ड कार्टर ने 1922 में उसकी हैंडलिंग के कारण ये मम्मी की हालत ख़राब हो गई इन अदर वर्ड ही पुट द ब्लेम ऑन हावर्ड कार्टर जिसने पहली बार ये मम्मी खोजी थी एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक और ऐसा कब कहा उसने जब वो बॉडी की ओर पूरी तरह झुक गया लीन ओवर मतलब पूरी तरह झुक जाना बॉडी में पूरा झुक कर बड़ी निकटता से बड़े लंबे समय तक उसने बॉडी को देखा और देखते हुए घूरते हुए उसने कहा यह मम्मी की स्थिति ठीक नहीं है शायद हावर्ड कार्टर ने इसको जैसे हैंडल किया उसमें खराब हो प्रॉब्ली दिस हैज बीन नॉट हैंडल प्रॉपरली बाय हावर्ड कार्टर लुक एट द मैन हावर्ड कार्टर वाज़ द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड दिस बॉडी एंड नाउ ही इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली टू लीन ओवर मतलब झुक जाना फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक बड़े लंबे समय के लिए जब पहली बार उसने देखा तब इसने कहा कार्टर

यूपीएससी एग्जामिनेशन है लास्ट मिनट आखिरी क्षण में बीमार हो जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ ग्यर्थ डोंट मेक फ्यूटाइल अटैम्प्ट व्यर्थ के प्रयास मत करो ट्रेनिंग करो प्रैक्टिस करो अभ्यास करो फिर प्रयास करो तो फ्यूटाइल अटेम्प मतलब व्यर्थ हावर्ड कार्टर व मैन हू टुक मैनी मैनी ईयर्स टू रियली अंडरस्टैंड वेयर द ग्रेवस मे बी सब तो जमीन के अंदर था वो भी तीस तीस फीट अंदर उसको कैसे मालूम पड़ता उसने बहुत स्टडी किया मिट्टी का जमीन का एरिया का इतिहास का और उसके बाद उसने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ खुदाई करें तो शायद कुछ मिलेगा और उस खुदाई में उसको एक टूम मिला चैंबर मिला फिर खुदाई किया तो चैम्बर के अंदर ये सिमेट्री मिली सिमेट्री के नीचे सिमेट्री में उसने जब खुदाई की तो उसको मिला किंग टूट की बॉडी की ममी फ्यूटाइल अटम्प कई वर्षों के व्यर्थ के प्रयास के बाद असफल प्रयास के बाद व्यर्थ मतलब असफल हो के प्रयास के बाद ही डिस्कवर दिस टूम इट्स कंटेंट दो सली रैनसेग्ड इन एंटीक्विटी इसके अंदर जो सामान था इस कंटेंट कंटेंट मतलब सामान दो हेस्ली रैनसेक हेस्ली मतलब जल्दी में रैन करना मतलब धावा बोलना जो उस पे जल्दी से धावा बोला गया था एंटीक्विटी पर प्राचीन चीजों पर वे आर सरप्राइजिंगली कंप्लीट आश्चर्यजनक रूप से यद्यपि इस पे धावा बोला गया था लोगों के द्वारा हैसली जल्दबाजी में इस पर काम किया गया था लेकिन सरप्राइजिंगली इसका जो सामान था कंटेंट था वो यथावत था कुछ भी चीज इसमें डिस्टर्ब नहीं दिख रही थी गायब नहीं दिख रही थी तो टूटी फूटी नहीं दिख रही थी तो हावर्ड कार्टर ने बड़ी मेहनत से इसकी खुदाई की थी और आप कल्पना करिए जब खुदाई करते हैं तो कैसे 26 फीट अंदर तक खुदाई करते गए और तब जाके 26वें फीट पर उनको लगा कि कुछ है खुदाई खुदाली से नहीं करते फावड़े से नहीं करते जे से नहीं करते वो तो चिजल से करते हैं चिजल मतलब छेना एक तरीके का चिजलिंग मतलब जिसको हम वो बोलते हैं जिससे हम क्यारी की तुर वो करते हैं काम करते हैं ऐसी चीज बारीक छोटी चीज रहती छोटा सा औजार धीरे 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 मिट्टी को हटाते जाते हैं ताकि कोई चीज गलत से ना टकरा जाए जो बहुत ऐतिहासिक काम की हो तो ऐसा करते करते खुदाई होती है सौभाग्य से दिस जेंटलमैन वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट हवास ही मम्मी इज इन बैड शेप बट ऑल द थिंग्स आर इन टैक्ट

मम्मी में भले कुछ ख़राबी दिखी पर सब सामान यथावत बना हुआ था द रिमेन दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड आज भी वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कीमती बेश कीमती रॉयल कलेक्शन है राज शाही रूप से रखे हुए

रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन किसी राजाओं के किसी राजा के द्वारा एकत्रित किया गया संग्रह आज भी वो सबसे कीमती संग्रहों में है एंड बिकम पार्ट ऑफ फरावर लेजेंड लेजेंड मतलब पुराना इतिहास फराव के इतिहास का वे अभिन्न अंग हैं बिकम पार्ट ऑफ फरावर लेजेंड मतलब फराओ या फारो चाहे ंग टूट इनके बारे में तो जानना बहुत महत्वपूर्ण है और जान रहे हैं लेकिन इनके साथ जो इनका सामान है साजो सामान मिला है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फराओ अर्थात दीज कंटेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू दे आर रिचेस्ट कलेक्शन एंड दैट सेक्रेटरी जनरल हवा सेज दैट देवर फाउंड इंटैक्ट द कंटेंट was फाउंड अनडिस्टर्ब कंटेंट was फाउंड complete. कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं थी जबकि उसको जिस तरीके से खुदाई हुई थी थोड़ा सा धावा भी हुआ रैन चेकिंग करना मतलब रैन चेक करना मतलब थोड़ा तोड़ा फोड़ी करना तोड़ा फोड़ी हुई थी जिस ढंग से उसके बावजूद सब सामान इंटैक्ट था क्या क्या था उसमें ऐसा क्या सामान था जो उसको किंग तुत जितना महत्वपूर्ण बना देता है वॉट वॉज ऑल देयर दैट वॉज सो दैट मेड इट सो इंपॉर्टेंट स्टनिंग आर्ट फैक्स इन गोल्ड शानदार आर्ट फैक्स कलाकृतियां सोने की शानदार कलाकृतियां देयर इटर्नल ब्रिलियंस उसकी अनंत चमक ब्रिलियंस मतलब चमक इटर्नल मीन्स कभी नष्ट ना होने वाली अनंत ट गारंटी रिसरेक्शन जो ये गारंटी देती हैं कि पुनर्जन्म होगा रिसरेक्शन एंड स्टिल गेट मोस्ट अटेंशन और आज भी सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं क्या आर्ट फैक्स इन गोल्ड वो जो कलाकृतियां हैं सोने की बनी हुई उसकी जो शानदार चमक है इतने हजारों साल तक दफन रहने के बाद भी वो कलाकृतियों की सुंदरता उसकी डिज़ाइन उसकी चमक ऐसा लगता है मानो पुनर्जन्म हो रहा है टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी जिसने पूरी दुनिया में दुनिया को हिला दिया खोज के समय कॉज ए सेंसेशन सेंसेशन मतलब दुनिया को हिला देना रिजल्ट है सेंसेशन तुम्हारी सफलता ने लोगों को हिला दिया है लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है सेंसेशन मतलब आश्चर्य तो इट कॉल्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन और आज भी सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का उन आर्ट फैक्ट पर ही जाता है जिसकी सतत चमक सुंदरता स्वर्ण का कार्य ये लोगों का ध्यान आज भी खींचता है और ऐसा लगता है मानो सब पुनर्जीवित हो रहा है पुनर्जागृत हो रहा है बट टुट वॉज ऑल्सो बैरिड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वॉन्टेड इन द आफ्टर लाइफ इतना ही नहीं उसके दफन के साथ जो सोने का सामान में नॉट ओनली दिस वेन ही वॉज बैरिड ही वॉज बैरिड इन गोल्ड कैफिन कॉफिन मतलब क्या कॉफिन मतलब शव पेटी तो वॉज बैरिड इन गोल्ड कॉफिन विद ब्यूटिफुल हेड डिजाइन द कॉफिन डिजाइन वॉज दैट ऑफ ममी शाइनिंग ब्यूटिफुली लुकिंग एज इफ गेटिंग न्यू लाइफ अट्रैक्टिंग द होल वर्ल्ड कॉजिंग ए सेंसेशन इन द होल वर्ल्ड ऐसा कॉफिन मिला है मुराल मिले और न जाने क्या क्या इतना ही नहीं टूट ऑल्सो बैरिड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ टूट के शव के साथ उसके साथ वो सारी चीजें भी दफनाई गई जो उसको मृत्यु के बाद जरूरत पड़ेगी मृत्यु के बाद के जीवन के लिए जो उसको जरूरत पड़ेगी ऐसी ज़रूरतों की चीज़ों को भी उसके साथ दफनाया गया मात्र ये सोना ही लोगों का ध्यान नहीं खींचता है मात्र ये दीवार की पेंटिंग ही ध्यान नहीं खींचती है मात्र वो तंग गलियों में जो दफ़न किया गया वही ध्यान नहीं खींचता है मात्र ममी ही ध्यान नहीं खींचती है लोगों का लोगों का ध्यान वहाँ भी जा रहा है कि उस जमाने में लाइफ आफ्टर डेथ में इतना विश्वास था कि तुत के साथ उसकी बॉडी के साथ मैनी डे टू डे आइटम्स वे आर ऑल्सो बैरिड डे टू डे आइटम्स वे आर बैरिड एवरीथिंग ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ कैसे बोर्ड गेम्स चेस्ट लाइक गेम्स ए ब्रॉन्ज रेजर दाढ़ी बनाने का रेजर जो ब्रॉन्ज का था लिनिन अंडरगार्मेंट्स कपड़े के बने हुए अंडर गार्मेंट्स थे केसेस ऑफ फूड भोजन के बर्तन और वाइन वाइन और वाइन रखने के बर्तन ये सब भी उसकी मम्मी के उसके शव के साथ दफना दिया गया इस उम्मीद में इस विश्वास में विद दिस बिलीफ दैट किंग टूच विल बी यूजिंग देम इन हिज लाइफ आफ्टर डेथ दिस इज ऑल्सो ए बिग सेंसेशन दैट कॉट द आईज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड दैट ड्रू द अटेंशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड So much belief in life after death that you create such a big grave so as to put all these belongings also. Linen, kaple, undergarments, wine, bartan, razor, board games, kaille saman? Adi, adi. So now you can imagine how much. Things must have been found. Surface from surface twenty six deep down, twenty-six feet deep down, chamber, which is somewhat crammed, tongue, chamber has mural paintings. Then a grave. Inside the grave there are three coffins, one inside the other. And the outermost coffin has its own beauty, gold-plated, Sone ki for our face, and people going down, paying their respects, Shraddhanjali dera, and then going up, back to surface. Not only that, there are a lot of other things also seen, like I said, razor mila, bal, dadi katne ka ustra mila, ब्रॉन्ज या कांस्य का बना हुआ सिमिलरली लेने इज ए ब्यूटिफुल कॉटन लेन इज ए ब्यूटिफुल कॉटन उच्च दर्जे का कपड़ा दैट ऑल्सो इज सीन विथ ऑल दीज थिंग्स इमेजिन बींग इंटैक्ट फॉर द लास्ट एट्टी ईयर्स अस्सी सालों से इकट्ठा है बिफोर आई प्रोसीड फर्दर इससे पहले मैं आगे बढूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कहानी थोड़ी उल्टी चल रही है उल्टी से मेरा तात्पर्य है पहले 2005 के घटनाक्रम का विवरण है यानी सीटी स्कैन किया उसके बाद उन्नीस का है उसके बाद 1920 का है तो थोड़ा सा उल्टा आपको पीछे की ओर जाना है तो आफ्टर सी स्कैन वी गो बैक नाउ Which was in 2005, now we go back to the time Carter has done it. Now what was done? What was done by Carter? How difficult was the job? Or, jaisa uh, I the Secretary General of Egypt, Hawass, initially felt that it's all gone. The mummy is damaged. Not much of the importance now we can have out of this. बट देन, ही वेरी रिलीव्ड, राहत की उसने सांस ली जब उसने पाया कि सब चीजें यथावत हैं, इंटैक्ट हैं, कंटेंट जो है डे टू डे लाइफ के जो सामान है वो भी सब वहाँ वैसे ही रखे हुए हैं नाउ नेक्स्ट पैरा आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ्राउज फ्यूनररी ट्रेजर ट्रेजर मतलब महत्वपूर्ण संपत्ति फ्यूनररी मतलब दफनाई गई फ्यूनरल फ्यूनरल मतलब चिता फ्यूनरली ट्रेजर दफनाई गए जो सामान थे उसको तीन माह लग गया उसको रिकॉर्ड करने में इतना सामान था कि कार्टर को एक एक सामान को नोट करने में उसकी इंडेक्स बनाने में सूची बंद करने में उसे तीन माह लग गए नाइनटी डेज केवल सामान का नाम लिखने में एंड दैट टू बी डन वेरी हर सामान का नाम जानना था सही और सही नाम लिखना था नंबरिंग करना था ताकि कोई चीज गायब ना हो और गायब हुई तो पता लगे किस क्रम में कौन सी चीज रखी है ये भी उसको सुनिश्चित करना था तो मेंटेन ए रिकॉर्ड it took three months. careful recording. his funerary treasures, as i said, treasures means saman. every item was very important. even the razor was important because that tells us that even 3,300 years back, the people used to do banate the. और इस चीज से दाढ़ी बनाते थे यह जानकारी मिलती है उससे सो दीज थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर थ्री ऑफ रिकॉर्डिंग कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज नेस्टेड नेस्टेड मतलब नेस्ट मतलब घोसला थ्री कॉफिन मतलब एक के अंदर एक जो तीन एक के अंदर एक घोंसले जैसे कॉफिन बने हुए थे उसको उसने उस पर अध्ययन शुरू किया स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग उस पर खोजबीन शुरू की कि एक के अंदर एक घोंसले क्या हैं, घोंसले से मतलब है कॉफिन शव शव पेटी